Hi guys, welcome to Pench. गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह के 6 बज रहे हैं. जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में देख लिया, वी आर गोइंग टू पेंच टुडे और बस निकल रहे हैं. 6 बज रहा है, नागपुर तक का यहाँ रास्ता है. नागपुर के पास ही है पेंच, तो 7 आवर्स का रास्ता है. तो बस अब फटाफट निकलते हैं और टारगेट ये रहेगा कि 1 या 2 बजे तक हम लोग मैक्स वहाँ पहुँच जाए. पेंच का जो रास्ता है यहाँ से दिखा रहा है 6 घंटा 35 मिनट. 300 किलोमीटर रायपुर से अगर आप जाएंगे तो 300 किलोमीटर का रास्ता है. रास्ता थोड़ा सा, जैसे हमने सुना है, थोड़ा ट्रैफिक वगैरह भी रहेगा और गाँव वाँव के बीच में से है, तो देखते हैं अभी कैसा रास्ता होगा. बाकी टाइम से तो हम काफ़ी निकल गए. तो ये मतलब हाय सिमरन, गुड मॉर्निंग. पहले मैं कितनी बोरिंग होकर बैठी हुई थी, मेरा पति आया तो मुझे कितनी खुशी हो रही है. पति पीछे तो आओ, अरे व्लॉग बन रहा है, दुखी हुआ करती थी. फिर मैंने अपने पति को लिया, अब मैं बहुत खुश हूँ. तो अब हमारा जो ग्रुप है वो पूरा हो गया, 4 लोग हो गए. रास्ता हमने कवर कर लिया, 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है. हम लोग रुके रास्ते में हल्दीराम में और यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें खा रहे हैं और बहुत भूख लग रही थी. पानी सब हो गया है और अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है और हम पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं. अब इतना ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं लगा है. रायपुर से अगर आप आओगे तो रायपुर से 7 घंटे का रास्ता है और निकल जाता है. अगर आप सुबह सुबह आओ तो अभी 1 बज रहा है और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले 1 घंटे में. तो एक्साइटमेंट बहुत है. जैसे जंगल आएगा तो फिर मैं आप लोग को रास्ता दिखाती हूँ. फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद फ्रॉम रायपुर टू पेंच, यानी 7 आवर्स का हमारा सफ़र था. सुबह 6 बजे निकले थे और पहुँचे 2 बजे, तो ऑलमोस्ट 8 घंटे लग गए. लेकिन काफ़ी जगह बीच में रुके भी हैं तो इसीलिए. बट अभी रिजॉर्ट जस्ट पहुँचे, अब रिजॉर्ट एक्सप्लोर करते. बहुत सुंदर लग रहा है वैसे देखने में तो, बट अब प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते. जस्ट रीच और आते ही सबसे पहले हमारा पहला काम है ये, बिकॉज बहुत भूख तो नहीं लग रही थी वैसे, लेकिन क्या था, लंच का टाइम खत्म हो रहा था. तो 3 बजे का टाइम था, 2:30 बज गया, तो इसलिए अभी हम लोग रूम पे नहीं, में भी नहीं गए. सबसे पहली चीज़ हम लोग ये करें, लंच. आप लोग देख सकते हो ये हमारा विला है. तो हमने 1 बेडरूम विला लिया था. मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ. यहाँ पे आपको एक ऐसे गार्डन भी मिल जाता है और 1 बेडरूम किचन और हॉल है साथ में. और अगर आप फील कर सकते हो तो कितनी शांति है इस जगह में. तो रूम से तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हुई. पहले मेरे को थोड़ा टेंशन ज़रूर था, लेकिन रूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा और एकदम सेक्लूडेड भी है. आसपास किसी भी कोई भी तरीके की आवाज़ नहीं आ रही, एकदम शांत है ये एरिया. जो मुझे चाहिए था कि जंगल का जो फील है वो आए और बहुत हौच पौच शोर शराबा ना हो, एकदम शांति हो. और ये है बालकनी. नहीं होगा, डिलीट तो नहीं होगा. तो ये है बालकनी और ये है प्यारा सा क्यूट सा चेहरा. और साथ में यहाँ पे गार्डन है. अरे मैंने झूला भी है. अब क्या सुंदर मस्त विला लग रहा है. हाँ मतलब यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो और आसपास कोई आपको दिख नहीं रहा. एक जन दिख गया.
अगर आपको प्रॉपर्टी का रिव्यू दूं तो प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी लगी। विलास जो अंदर से हैं बहुत सुंदर हैं, बाहर भी बहुत अच्छी स्पेस है और सब कुछ बहुत अच्छा है। एज़ ए रिज़ॉर्ट जो यहाँ का एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप पीसफुली यहाँ पे अपना टाइम इन्जॉय कर सकते हो। ओनली थिंग दैट आई फील कि यहाँ पे थोड़ा सा बेटर हो सकता था इस जंगल का जो मज़ा है वो, क्योंकि जो हम लोग रुके थे कान्हा नेशनल पार्क में, तो वो मेरा अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा था। उसका मैं लिंक भी यहाँ पे डाल दूंगी। यहाँ पे उन लोगों ने जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसमें जंगल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था। सारे रूम्स वगैरह सब थे बट जंगल भी इंटैक्ट था, जंगल डिस्टर्ब नहीं हुआ था, आसपास पूरा जंगल था। बट यहाँ पे ऑल्दो टुरिया जो है वो कोर जोन है, लेकिन जंगल को इतना इंटैक्ट यहाँ पे नहीं रखा गया है और सारी जगह कंस्ट्रक्शन किया गया है और एज अ रिजॉर्ट इसको बहुत अच्छा फील दिया गया है। तो एज अ रिजॉर्ट आई विल गिव इट 5 out of 5, बट ये जो एक चीज़ है वो थोड़ी सी कमी है। सो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे, हाई टी का टाइम हो गया है, 5 बजे हाई टी है और पूल पार्टी है। देखते क्या सेटअप है, यहाँ सामने थोड़ा बहुत लगा तो है सेटअप। और इन्हें देख के लगता है कि ये सीधा WWE से आ रहे हैं, है ना? So, नाम भले ही बदला है पर काम जो करने वाले हैं यहाँ पर वो बड़ा खूबसूरत सा है। जगजीत सिंह साहब की गजल है, और तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तो याद रखिए ये गाना गा रहे हैं तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, और आप सबको मुस्कुराना ही पड़ेगा। इनका शरीर देख लीजिए एक बार। सो गाइस अब मैं रेडी हो गई हूँ, ये है शाम का आउटफिट और अब हम लोग जा रहे हैं टू द गाला नाइट। तो पूल पार्टी हो गई है, पूल पार्टी के बाद जो नेक्स्ट था वो है गाला नाइट, जब शाम को होने वाली है। पूल पार्टी में बहुत इंजॉय हुआ, करोके हुआ, तो हम लोग जा रहे हैं टू द नेक्स्ट इवेंट विच इज़ गाला नाइट और देखते हैं वहाँ पे भी डिनर वगैरह होगा, थोड़ा बहुत करोके होगा, तो इंजॉय होने वाला है काफ़ी। और अभी चलिए हमारे साथ। ओवरऑल हमारा अभी तक एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। So
फ्रेंड्स पार्टी करके आ गए और अच्छा एक्सपीरियंस था। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं इस रिज़ॉर्ट के बारे में आपसे शेयर ज़रूर करूँगी कि ऑल्दो ये जगह अच्छी है, रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ का खाना हमें अच्छा नहीं लगा। हमारा आज पूरे दिन के एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। लंच, हाई टी एंड डिनर, तीन मील्स हमने यहाँ पे लिए और फूड का एक्सपीरियंस इतना खास नहीं रहा, बट ओवरऑल बाकी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत इन्जॉय किया हमने। इसी के साथ आज का हमारा फर्स्ट डे इन पेंच नेशनल पार्क इज ओवर। मिलेंगे आपसे कल, और कल हम लोग और भी एक्सप्लोर करेंगे, आसपास जाएंगे, देखेंगे और यहाँ पे पेंच में क्या है चीज़ें करने को। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड डू शेयर।